आज की कहानी का टाइटल है जब पति ही अपना नहीं तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाना। भाभी कहाँ जा रही हैं? अभी अभी तो आई हैं आप, इस बार कुछ दिन के बाद ही जाना है आपको। नहीं रूही दी, मैं आई तो थी, कुछ दिन आपके साथ रहूंगी। मम्मी जी ने कहा था 2 दिन रह आना, पर ऑफिस का कुछ काम आ गया है इसलिए जाना पड़ेगा। भाभी ऐसा भी क्या, आप पिछली बार भी आई थी तब भी आप ऐसे ही चल दी थी और अभी भी आधे घंटे में ही वापस जा रही हैं। रूही दी जाना पड़ेगा मुझे, जरूरी है, लेकिन आप जरूर आना घर पर। ऐसा कह रूही की भाभी निकल गई, ना बच्चों से मिली ना ही कुछ बात की, बस ओला बुक करके वहां से चल दी। रूही को इस बात का थोड़ा अजीब लगा, पिछली बार तो उन्होंने जाने दिया था। रूही की भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था, वो कुछ उलझी परेशान सी दिखने लगी थी। ऐसा माँ भी रूही से कहती थी। रूही ने कुछ देर बाद माँ को फोन लगाया। माँ, मेघा भाभी घर पहुंची? हाँ बेटा, बहू घर आ गई है, माँ ने उत्तर दिया। माँ, उन्हें ऑफिस जाना था क्या? नहीं बेटा, मेघा ने तो 2 महीने से स्कूल की नौकरी छोड़ रखी है। रूही ने माँ से कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया, पर हैरानी बहुत हो रही थी उसे। आखिर बात क्या है, वो मन ही मन सोचने लगी। दरअसल रूही की भाभी मेघा अपने सपने पूरा करना चाहती थी, वो MBA करना चाहती थी, लेकिन मेघा के पति इस बात पर सहमति नहीं दे रहे थे। मेघा उन्हें मना मना कर थक गई थी, लेकिन उनके पति रोहन उसे चिल्लाकर चुप करा देते थे। लेकिन अब अति हो गई थी, अब मेघा ने ठान लिया था कि वो MBA करेगी ही, क्योंकि सगाई के समय ही उसने रोहन से कहा था कि मुझे शादी के बाद MBA करना है, जिस पर उसने हाँ किया था। लेकिन रोहन ने मेघा की ये ख्वाहिश घर में किसी को बताने की भी कोशिश नहीं की, और जब से मेघा को ये बात पता चली है वो बहुत हैरान हो गई थी कि घर में किसी को भी नहीं पता उसके MBA करने की शर्त के बारे में। अब समझ आया उसे, आखिर मम्मी जी या पापा जी ने अभी तक उसे MBA की बात क्यों नहीं की थी। शुरू में तो मेघा को बहुत गुस्सा आया, मन ही मन वो सोच रही थी कि मैं इनके साथ क्यों हूँ, इन्होंने तो मेरी सबसे बड़ी खुशी को ही इग्नोर कर दिया, मुझे चूल्हे चौके तक ही सीमित कर दिया, ये तो सिर्फ एक पति ही बनकर रह गए। पर अब मैं MBA करके ही दिखाऊंगी। लेकिन पति का ये गुस्सा उस पर हावी होने लगा था, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बजाय किसी से अपनी बात कहने के वो सब कुछ अकेले करने की सोच रही थी। उसे लगने लगा जब पति अपना नहीं तो औरों से क्या उम्मीद करना। उसके स्वभाव से रूखापन आ गया था, ना किसी से बात करती थी ना ही घर का काम करने की कोशिश करती थी। रूही से रहा ना गया, भाभी का इस तरह से उसके घर से आ जाना उसे अंदर ही अंदर चिंता की लकीर में बांधे जा रहा था। आखिर उसने अपनी भाभी को फोन लगा ही दिया और पूछ लिया कि बात क्या है भाभी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप पहले जैसी हैं ही नहीं। पहले कितना प्रेम दिखता था आपके व्यवहार में, लेकिन अब आपके प्यार ने रूखापन का स्थान क्यों ले लिया है? कुछ उलझन है तो आप मुझे बताओ, अगर आप मम्मी को नहीं बता पा रही हो तो शायद मैं कोई आपकी मदद कर पाऊँ। आप पहले जैसी हो जाओ ना प्लीज, क्यों हम कुछ उलझन की वजह से रिश्तों में तनाव की गांठ बांध लें। भाभी आप भी समझदार हो, आप समझती हो कि रिश्ते कितने कच्चे धागों की डोर होते हैं। मेघा का मन भर आया और उसने रोहन की अपने बात से पीछे हट जाने की बात रूही दी को बता दी, और उस पर अपने सपने पूरा ना होने देने का दबाव बनाने की बात भी रूही दी को बताई। रूही को भी अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। रूही ने खुद से MBA किया था और अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, वो मेघा के सपनों की अहमियत अच्छी तरह से समझ सकती थी। रूही दी, मैंने आपको देखकर ही तो शादी के लिए हाँ की थी, आपने भी MBA किया था तो रोहन मेरा सपना भी जरूर पूरा करेंगे, मुझे ऐसा लगता था। मेघा ने कहा, भाभी अब चिंता मत करो, मैं अब रोहन से ही बात करती हूँ। अपने आप को क्या समझने लगा है, जब पापा उसे बाइक नहीं दिला रहे थे तो उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाकर अपनी बात मनवाई थी, और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पापा 1 साल का ब्रेक लेने के लिए कह रहे थे, क्योंकि पापा का बिजनेस उस समय कुछ सही नहीं था, तब कैसे अपने पापा से उसने पापा से कहा था, पापा मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना आधा खर्च निकाल लूंगा, लेकिन आप मेरे हाथ से मौका मत जाने दो, अब आप पर रौब जमा रहा है, खुद के ऊपर आए तो चूहा बन जाओ और दूसरों के ऊपर आए तो शेर बन जाओ, मैं कल ही बात करती हूँ भाई से। भाभी दूसरे दिन रूही ने रोहन को फोन लगाया और कहा, रोहन क्या है ये, तू क्यों मेघा को MBA करने के लिए मना कर रहा है, उसके सालों के देखे सपनों को क्यों अपनी मनमर्जी से बिखेर रहा है, तू होता कौन है किसी के सपनों को इस तरह बिखेरने वाला, तुझे तो अपनी पत्नी के लिए खुश होना चाहिए कि वो आगे बढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। रूही दी, शादी के बाद पढ़ाई की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, घर की जिम्मेदारी और पढ़ाई साथ साथ, दीदी आपको पता है ना कितने घंटे देने पड़ते हैं पढ़ाई में,
मेघा को अब मैं इस बोझ में कैसे डालूं? मैं अब भी उसे देखता हूँ, कितना व्यस्त रहती है वो। दी, मुझे पता है शादी के बाद एक लड़की के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। मैंने उसको सगाई के समय हाँ कर दिया था, पर अब मैं ही उसे मना कर रहा हूँ। भाई, सपने देखने का हक और उसको पूरा करने का हक हर लड़की को होता है, भले ही वो शादीशुदा हो या नहीं। जिसके अंदर लगन है वो अपने सपने को साकार करके ही दिखाता है। ठीक है दीदी, फिर मुझे क्या आपत्ति होगी? मम्मा पापा से मैं बात करती हूँ मेघा के लिए, रूही ने भाई से कहा। रूही ने माँ को फोन किया और पूरी बात बताई। मेघा का बदलता स्वभाव के पीछे का कारण क्या है और भाई उसे MBA करने के लिए क्यों मना कर रहा है? माँ, मैंने भाई को समझाया है कि जिम्मेदारियों को सिर्फ अपनी पूरी दुनिया मान सपने कुर्बान कर देना गलत है। माँ, आपको क्या लगता है? बेटा, तू सही कह रही है, मेघा जरूर MBA करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, पापा भी उसे मना नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सास ससुर ने मेघा को बुलाया और उसे MBA करने की इजाजत दे दी। मेघा ने अपने बदलते स्वभाव के कारण मम्मी जी और पापा जी से क्षमा मांगी और रोहित जी से भी क्षमा मांगी और उन्हें धन्यवाद भी दिया। रोहन ने भी मेघा से क्षमा मांगी और आगे से उसका साथ देने का वादा किया। 3 साल बाद मेघा MBA कर अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। पहली सैलरी से तो उसने सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे और अब वो रोहन के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, चाहे वो घर का खर्च हो या किसी तरह की और जिम्मेदारी। अपनी सैलरी और अपने आत्मसम्मान के कारण वो हर कदम अपने घर परिवार की ताकत बनकर खड़ी रहती है। अब मेघा पहले की तरह बन चुकी थी, खुश मिजाज और परिवार को अपना समझ उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। किसी के बिगड़ते व्यवहार को परख कर अगर उसकी भावनाओं को पढ़ लिया जाए और उसे समझ और उसको थोड़ी सी मदद कर ली जाए तो ये मदद उसके जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।